हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द विलेज एंटरटेनमेंट में। मैं हूं आपका दोस्त इंद्र कुमार प्रजापति और मैं आज आपके लिए अपने वीडियो में लेकर आया हूं PTSNS यूनिवर्सिटी शहडोल में संचालित स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स। यदि आपको PTSNS यूनिवर्सिटी में संचालित स्नातक यानी ग्रेजुएशन के कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल के पेज पर जाकर वीडियो देख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा अगला वीडियो आने वाला है PTSNS यूनिवर्सिटी में संचालित एमफिल एंड PhD के कोर्स। तो चलिए दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, अवधि 2 वर्ष का होता है। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग नियम होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस MSc यानी मास्टर ऑफ साइंस, जिसमें 4 सेमेस्टर हैं। पहला सब्जेक्ट है जूलॉजी, जिसमें आपका BSc जूलॉजी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, इसमें 50 सीट हैं। दूसरा सब्जेक्ट है बॉटनी, जिसमें आपका BSc बॉटनी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, इसमें भी 50 सीट हैं। तीसरा सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपका BSc बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी एंड जूलॉजी से होना चाहिए, इसमें भी 50 सीट हैं। चौथा सब्जेक्ट है फिशरीज साइंस, इसमें आपका BSc फिशरीज एंड जूलॉजी के साथ होना चाहिए, इसमें भी 50 सीट हैं। सेकेंड है स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस MSc मास्टर ऑफ साइंस, इसमें भी 4 सेमेस्टर होते हैं। पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसमें आपका BSc फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, इसमें भी 50 सीट हैं। दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसमें आपका BSc केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट होना चाहिए, इसमें है 70 सीट। तीसरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका BSc इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, इसमें भी 50 सीट हैं। तीसरा है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस MSc मास्टर ऑफ साइंस, इसमें भी 4 सेमेस्टर हैं। इसका पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें आपका BSc मैथमेटिक्स से कंप्लीट होना चाहिए, इसमें है 50 सीट। दूसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, इसमें आपका BSc कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से कंप्लीट होना चाहिए, इसमें भी 50 सीट हैं। चौथा है स्कूल ऑफ सोशल साइंस MA मास्टर ऑफ आर्ट, इसमें भी 4 सेमेस्टर हैं। इसके लिए आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें पहला सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें 50 सीट हैं। दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें 50 सीट हैं। तीसरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी, इसमें भी 50 सीट हैं। चौथा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसमें भी 50 सीट हैं। और पांचवा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इसमें भी 50 सीट हैं। पांचवा है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स, इसमें भी 4 सेमेस्टर हैं। सब्जेक्ट है कॉमर्स, इसमें आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स सब्जेक्ट से होना अनिवार्य है, इसमें 40 सीट हैं। छठवां है स्कूल ऑफ लैंग्वेज, इसका पहला सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें 50 सीट हैं। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें 50 सीट हैं। तीसरा सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसमें 30 सीट हैं। इसके लिए आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये मेरा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल द विलेज एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जल्द लेकर आ रहा हूँ मास्टर ऑफ फिलोसॉफी यानी MPhil के कोर्स
एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी यानी पीएचडी के कोर्स। धन्यवाद।